लोग कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं फिर आ गई हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ। ये लेस का डिज़ाइन है जो हमने क्रोशिये से बनाया है। आप इसको देखिए, बनने में बहुत आसान है ये और देखने में बहुत सुंदर है। आप इसको कार्डिगन के बॉर्डर में भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ से फंदे उठाकर इसमें पल्ले बना सकते हैं और जो गला होता है उसमें कॉलर की जगह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बाजू में लगा सकते हैं, पिलो कवर में हम इसको लगा सकते हैं, बेडशीट में, मेज पोस्ट में, कहीं पे भी आप इसको बनाकर लगाएं। बहुत ही आसान और बहुत सुंदर ये देखने में लगता है और बनाने में एकदम आसान है। देखिए आप इसको जब बनाएंगे तो आपको तब लगेगा कि ये वाकई ही बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत प्यारी प्यारी वीडियो डाली हुई है, जिसमें क्रोशे के डिज़ाइन है, सिलाइयों के डिज़ाइन है, कैप बनाई है, कार्डिगन, कोटी, ये सब डिज़ाइन मैंने डाले हुए हैं। तो आप उनको देख सकते हो। वो आप तभी देख सकते हो जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही एक बेल आएगी, आप उसको भी प्रेस करें, ऑल पे जाकर आप उसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। तो आइए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाना है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर 10 चैन बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर ऐसे करके और 10 चैन बनानी है। एक चैन हमने बना ली है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन हमने बनाई है। अब आप देखिए 10 चैन के बाद में हमने एक चैन और एक्स्ट्रा बनानी है और यहाँ पर हमने एक चैन को छोड़कर इसके अंदर हमने देखिए ऐसे करके एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाएंगे और एक चैन को छोड़कर ये वाली हम चैन छोड़ देंगे यहाँ पर इसके अंदर। देखिए आप इसके अंदर हमने इसको क्रोशिया को डालना है और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया और एक डबल क्रोशिया हम और इसी के बगल वाली में इसके जो आगे है ये वाली चैन इसके अंदर बनाएंगे। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन हमने बनाई है। देखिए 2 चैन हमने बना ली है। अब हम यहाँ पर एक चैन छोड़कर इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब हम यहाँ पर 10 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 चैन हमने बनाई है और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसमें डालना है। एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए ये हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाया है। अब हम फिर से इसमें 8 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन हमने बनाई है। और ये देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पर इसके अंदर यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। फिर देखिए एक बार ऐसे निकालेंगे और एक बार हमने इसको ऐसे निकाल देना है। ये 2 डबल क्रोशिया हमने इसके बाहर चैन के अंदर डाला है। अब देखिए और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए तो टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाया है। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर देखिए आप जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर से हम यहाँ पर फिर से इसी के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर हमने ठीक इसके ऊपर हमने एक ये देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फिर से हमने यहाँ पर चार चैन बनानी है, एक दो तीन चार, चार चैन हम बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो दो हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर इसके अंदर हमने इसको डालना है। देखिए एक दो, ये दो हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब फिर से हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, यहाँ पर हमने अब देखिए इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, और दो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बाहर की तरफ डालना है, एक देखिए दो, ये दो डबल क्रोशिया हमने बना दिया है। अब फिर से हम इसके अंदर 10 चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 चैन बनाइए। क्रोशिया के ऊपर से धागा लेंगे और यहीं पर जहां हमने इसको पहले उसमें डाला था यहीं पर हमने एक बार और इसके अंदर डालना है। देखिए यहाँ पर हमने इसको एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से हम इसको पलट लेते हैं और यहाँ पर हमने 8 चैन बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 चैन हमने बनाई है। और यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया बनाना है, दो बार हमने यहाँ पर इसको डालना है। फिर हम यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके ऊपर से बनाना है, ये देखिए आप हमने यहाँ पर 3 लेयर बनाई है, एक दो तीन। अब फिर से हमने 2 चैन बनानी है, देखिए, और यहाँ पर हमने इसमें डालना है। ऐसे करके हमने ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम हमेशा 2 ही डबल क्रोशिया चलाते रहेंगे। ये पूरी लेंथ जहाँ तक आपने बनाना है वहाँ तक इसको आप ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे और लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 चैन बनाई है, इसके अंदर जो हमने 4 डबल क्रोशिया लिया था, चैन बनाई थी, इसके ऊपर से हमने यहाँ पर आप देख सकते हो उसको, यहाँ पर 2 चैन छोड़कर, ये 2 चैन हम छोड़ देंगे, इसके अंदर हमने इसको डालना है। देखिए इसके अंदर हमने इसको डालकर बनाना है। ये देखिए ऐसे करके हमने इसको यहाँ पर बनाना है। अब फिर से हमने 4 चैन बनानी है, एक दो तीन चार, 4 चैन हम बनाएंगे, उसको पलट कर हमने सीधा यहाँ पर डालना है। यहाँ पर हम 2 हमने डबल क्रोशिया बनाना है, एक और बनाया दो, 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद हमने 2 चैन बनानी है। देखिए 2 चैन हम इसमें बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पर हमने ये देखिए आप ये लेयर पूरी सीधी जा रही है तो यहीं पर हमने इसमें इसको डालना है। देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हम 2 चैन बनाएंगे, एक दो, और एक चैन छोड़कर, ये वाली चैन छोड़कर इसके अंदर हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर हमने 2 चैन बनानी है और एक चैन छोड़कर इसके अंदर फिर हमने ये डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे करके हमने ये 10, ये जो हमने जालियां बनाई हैं तो इनको हमने 10 बनाना है पूरा यहाँ तक। तो ये देखिए आप एक दो, यहाँ पर हमने एक चैन छोड़ी, यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। ऐसे करके हमने इसको बनाना है, एक दो, यहाँ पर हम एक चैन छोड़ेंगे, इसके अंदर हमने इसको बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये 10 जालियाँ बनाई हैं। ये जाली हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम गिनेंगे नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 जालियाँ हमने यहाँ तक बनाई हैं। अब आप देखिए इसमें हम दो चैन बनाएंगे और इसको हमने ऐसे करके घुमा लेना है। अब हम इसके अंदर देखिए दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। फिर इसी के अंदर हम इसको डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब इसके अंदर भी हमने ऐसे ही डालना है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हम इसके अंदर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर इसके अंदर भी हमने ऐसे ही डाल के इसको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हमने ये पूरे 10 के 10 कंगूरे बनाने हैं। ये देखिए इसको मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने ये कंगूरे बनाए हैं। अब हम फिर से यहाँ पर दो जाली बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। देखिए ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने फिर से दो चैन बनानी है, दो चैन बनाई और यहाँ इसके अंदर हम दो जाली छोड़कर दो चैन छोड़कर इस चैन के अंदर हमने इसको डालना है यहाँ पे। ये देखिए अब फिर से हमने 4 चैन बनानी है। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान करेंगे, जैसे हमने दो डबल क्रोशिया बनाया है और दो चैन हम बनाएंगे, एक चैन हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हमने 8 चैन बनानी है, इसमें हम 8 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हम चैन बनाएंगे और दो ये कंगूरे दो छोड़ेंगे, 1 2 और ये तीसरे के अंदर यहाँ ऊपर की तरफ हमने एक, ये देखिए आप सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है और सेकंड रो हमने यहाँ से शुरू करनी है। तो देखिए यहाँ फिर हम 8 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन हमने बनाई है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ इसके अंदर फिर से हमने दो डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक दो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाया है और एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर से डालेंगे। देखिए तो ये जो हमने नीचे वाली ये फर्स्ट के बाद वाला जो रो हमने बनाई है, तो ये वाली रो हम ये वाली बना रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम दो चैन बनाएंगे। देखिए इसके अंदर हमने इसको डालना, ऐसे ही करके हम इसकी जितनी लेंथ हमने बनानी है उतनी लेंथ हम इसको बनाएंगे। देखिए ऐसे करके हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम दो चैन हम छोड़कर तीसरी चैन के अंदर यहाँ पर हमने इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए बहुत सुंदर लेस बनी है ये। आप इसको कार्डिगन में, बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हो और गले में भी हम इसको लगा सकते हैं। देखिए बनने के बाद बहुत ही सुंदर ये लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। और मैं हर दिन एक नए वीडियो के साथ आती हूँ। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।